गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम जबल चेस। देख सकते हैं कि गैदरिंग में जो है वो कढ़ाई ही किस एक्साइटमेंट से बनाई जा रही है, चेक करें। तो गाइस कैंप जो है वो लग चुका है, तो चलें कैंप का व्यू करते हैं। एक कैंप में आप देख सकते हैं, ये दिखने में तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है अभी, लेकिन नीचे हम तीन लेयर्स बिछा चुके हैं। सबसे पहले नीचे एक चादर बिछाई है, उसके ऊपर जो है वो एक और चादर है, उसके ऊपर जो है ये कंबल। और तीन से चार लेयर लेने के बावजूद भी जो है वो हमें रात को सर्दी लगी थी और सोने वाला कोई इंतजाम नहीं हुआ था, तो रात पूरी जगराते में गुजारी थी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो है सामने बारबेक्यू है, फ़िलहाल एक कैंप लग गया है, बाकी जो चार पांच कैंप्स हैं वो मज़ीद लगेंगे। और ये हमने जो है गाड़ियां लगा के सराउंडिंग में पूरा एक जो है घेरा बना लिया, और बीच में हम लोग जो है वो अपना जो है वो बारबेक्यू और खाने पीने का निज़ाम और बाकी सारे निज़ाम कर रहे हैं। देखो रवि जिनकी आप आवाज़ सुन रहे थे, ये हैं मेरी मापी, ये इंडिया से बिलोंग करती हैं और यहाँ पे आई हैं अपने सिस्टर के पास और हमारे साथ घूम रही हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छी जो है वो डॉक्टर हैं ये, तो बहुत अच्छी इंसान भी हैं। तो ये सामने जो है वो एक साइड पे कढ़ाई बन रही है और एक साइड पे जो है बारबेक्यू का प्लान है, और एक अंगीठी जो ऊपर पड़ी है उस पर बारबेक्यू लगेगा और नीचे वाले पे तो ऑलरेडी कढ़ाई बन रही है। तो ये सीन था भाई। तो बैकग्राउंड में जो है वो बारबेक्यू चल रहा है और सीन गुड है, तो कुछ देर में जो बारबेक्यू रेडी हो जाएगा और हम लोग मज़े से खाएंगे और उसके बाद फिर कैंप्स लगा के तो जबल जेस में जो है वो पूरी नाइट का जो है वो स्टे करेंगे और देखेंगे कि भाई जबल जेस में लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो कितना जाता है रात में, तो ये चीज़ भी हमें पता लग जाएगी यहाँ पे स्टे करने से। उसके अलावा इंटरटेनमेंट भी हो जाएगी। तो वो बैकग्राउंड में लाइट है, तो मैं बिल्कुल हाँ, तो मेरे साथ जो है वो यहाँ पे, इधर आओ बच्चों। तो ये बच्चे हैं, ये ज़ैनब है, मैं हूँ ज़ैनब, और अपना नाम बताओ ना आगे यहाँ पे, इधर कैमरे में देख के हाथ भी हिला देता हूँ। हाँ नाम भी बताओ ना। आमना। अच्छा ये बच्चा कौन है पीछे जो है? यूसुफ। बताओ कि कैसा फील कर रहे हो आप लोग? बहुत गंदा, बहुत अच्छा। तुम लोग सही नहीं बता रहे, ये सब बताएगी। इधर आओ, इधर आओ मारिया, इधर आओ। अच्छा जी, ये मारिया है और ये आई है इंडिया से, ये जैनब की कज़न है, और ये यहाँ से यहाँ पे जो है हॉलीडे इन्जॉय करने आई हैं।
तो इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस के अभी जबल जैस में ये इनको कैसा कैसा लग रहा है। चलो फील तो हमेशा मेरा लूजर जैसा रहता है, अभी मैं लूजर जैसे ही फील कर रही हूँ। इस तरह से लूजर जैसे लूजर जैसे अरे मेरे को पता है कि मैं मेंटल हूँ बहुत। बड़े अच्छे ख्याल आते हैं आपके। अच्छा ये भाई भी हैं, ये भी हमारे साथ आए हैं मेरे भाई। इनसे पूछते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं। रुको तुम भीतर आओ। अच्छा और उसके अलावा मतलब कितनी दफ़ा आ चुके हैं आप लोग यहाँ पर? 4 या से ज़्यादा। हाँ हाँ तो ये फर्स्ट टाइम है नाइट स्टे कैंपिंग का या पहले भी कर चुके हैं आप लोग? 2 दफ़ा पहले, 2-3 दफ़ा पहले किए। गर्मियों में सर्दियों में? सर्दियों में। सर्दियों में तो मतलब रात को लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है? 1 जब मैं आया था सबसे लोएस्ट था वो कौन सा मंथ दिसंबर पता नहीं। तो मतलब ये भाई कह रहे हैं ये पहले कैंपिंग कर चुके हैं यहाँ पे और इनके कोल जो है लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो 1 तक जाता है। तो अभी अगर 1 जाएगा तो और भी मज़ा आएगा। सारी बात है जितना लो टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ठंड होगी, जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं अब। तो ये 4 टेंट्स वहाँ लग चुके हैं और इनके सराउंडिंग में जो है वो कार्स खड़ी की हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं ताकि अगर रात को तेज़ हवा भी चले तो जो है वो गाड़ियाँ उनको रिजिस्ट करेंगी। तो अच्छा आइडिया है। तो अभी जो है ये बच्चे लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं इनका प्लान बना है कि ये लोग ट्रूथ और डेयर खेलना चाह रहे हैं। ट्रूथ या डेयर जाके परख खाओ। एक पे नहीं ये डेयर है, ये डेयर है ऑलरेडी। किसको मिला है? किसको मिला है? पहले क्या क्या उठाना है? ऑलरेडी ठंड है ना। परख बर्फ यहाँ पे किधर से आएगी यार? बोंगिया तो नहीं ना मारनी? अच्छा बर्फ पड़ी है, बर्फ लेके आये साथ। सही हो गया। हाँ जी आपका नाम क्या है? आमना। चलें जी आमना से पूछते हैं दोबारा से। नहीं आमना मुझे बहुत अच्छी लग रही है। चलो आमना इधर आओ। आमना अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। और ये मास्क पर नीचे करो ना, इतना प्यारा फेस है इसको तो दिखाओ ना। ये आमना से पूछते हैं। आमना पहले आमना के भाई से भी हमने पूछते हैं आमना से। आमना मास्क तो उतारो ना अपना, थोड़ा सा नीचे हो ना, मैं बैठ के मतलब तुम खड़ी हो। हाँ इस तरह। चलो आमना भी बैठ गई है। हाँ आमना बताओ थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम आमना। अच्छा अच्छा नहीं मतलब अभी कितना एंजॉय कर रही हो आप यहाँ पे? सर्दी बहुत ज़्यादा है। हाँ। सर्दी तो ऑब्वियसली होगी, तो थोड़ा सा बताओ कि अभी मतलब तुम लोगों का ये कौन सा कितनी दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पे और अभी इस टाइम क्या फील कर रहे हो? कितनी दफ़ा? 1000 दफ़ा। सही हो गया जी। इसके बकौल ये लोग 1000 दफ़ा आ चुके हैं। 5-6 दफ़ा है। 5-6 दफ़ा आ चुके हैं। सही है। 5 मिनट के लिए पकड़नी बर्फ। अच्छा जी ये पीछे ढेर हो रहा है जी, ये बर्फ जैनब ने बर्फ पकड़ी हुई है 5 मिनट के लिए जी। जैनब ने बर्फ पकड़ी है और जो है जैनब अपना ढेर कर रही है। तो अच्छा ढेर करने पर मिलेगा क्या जैनब को? 1 पॉइंट। सही हो गया। हुसैना से मिलवाते हैं। हुसैना भी इंडिया से आई है, इसे भी जैनब की कजन है और ये जो है वो डेयर देना चाह रही है किसी को। किसको डेयर देना चाह रही है? मैं खुद को डेयर देना चाह रही हूं। खुद को डेयर देना चाह रही हूं। डेयर कर लिए तो खुद को डेयर देना चाह रही हूं। फाजी हो गए ना। अच्छा क्या देना चाह रही हो डेयर? मासी को मैं मासी की 10 मिनट में छू कर रखना। अच्छा अच्छा छू क्या आती हूं। हुसैना का डेर है जी, वो गई है अपनी मासी की कार को। हाँ इसकी मम्मी की कार को जो है वो छू के आएगी। अच्छा कान को? आई डेयर यू गाइस टू लाइक कार को छू के आ गए। आई डेयर यू टू सब्सक्राइब इफ यू डोंट सब्सक्राइब। नाइस नाइस। आप भी कुछ डेर देना चाहेंगे? आप देना चाहोगे? ये अब्दुलरहमान है, ये भी जो है वो हमारे साथ आए हैं ट्रिप पे और इन्जॉय कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जी इनका जो एक्सपीरियंस है यहाँ का वो किस तरह से, पहले भी ये लोग आ चुके हैं तो थोड़ा सा बताएं अब्दुलरहमान के मतलब अभी जो है वो क्या फील कर रहे हैं आप? जी
अच्छा, तो लोएस्ट टेम्परेचर जो है कितना होता है यहाँ पे अभी फिलहाल? लोएस्ट रात 2 o'clock तक आई थिंक 4 होगा। तो पहले भी आप लोग आ चुके हो, तो पहले जो है लोएस्ट कहाँ तक गया है? I'm not sure, सही आदमी है, सही हो गया। तो गाइस जब्बल जेस के पास पार्किंग में जो है वो प्रॉपर से लाइट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। कैसा फिट व्यू है यहाँ पे। और हमारे जो कैंप्स हैं वो थोड़े से उस आगे की तरफ लगे हुए हैं। तो ओके, ब्लैंकेट गीला हुआ है, टेंट वाला बहुत प्यारी बहुत प्यारी खुला सी बच्चे के अंदर दरबार अंदर है ना। पूरे दिन हेक्टिक डे का जो है वो एंड होता है और अभी सोने का टाइम है और अभी हम लोग लगे हैं सोने। तो नींद तो मुझे आई कोई नहीं थी, लेकिन फिर भी लेटना तो था ना सोने के लिए। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स फ्रॉम जबल जेस, ये व्यूज़ चेक करें आप, सनराइज़ हो रहा है अभी और लाइट कितनी मध्यम सी ऑरेंज सी, क्लासिक है यार। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम जबल जेस। तो रात कैंपिंग की और मॉर्निंग तो मेरी 5:30 हो गई थी सनसेट को जो है वो, सॉरी सनराइज़ को जो है वो कैप्चर किया और प्रॉपर से जो है कवरेज की। अभी तकरीबन 7:30 हो रहे हैं और नाश्ता बन रहा है और मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपसे बातें कर लूँ। तो भाई स्टोरी ये है कि सीन्स तो आप देख ही चुके हैं, तो कुछ देख रही हैं और कुछ आप मज़ीद देखेंगे। तो भाई जो है वो बहुत फिट जगह है, अगर आप दुबई या अबू धाबी रहते हैं तो आपको लाजमी जो है वो जबल जेस में जो है ना एक्सपीरियंस करना चाहिए कैंपिंग का। और अगर वैसे भी आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो फिर भी बहुत जो है फिट जगह है, बट कैंपिंग कर लें तो आई थिंक सो के फन जो है वो दूना हो जाएगा। अरे सामने आप देख सकते हैं कि 3 फोन्स हैं जिनके ऊपर टाइम लैप्स लगाया हुआ है, तो देखें किसके ऊपर सही निकलता है बन के, तो वही यूज़ करेंगे हम लोग। तो गाइस रात में तो ये मैं दिखा नहीं सका था आपको सही से, तो इस टाइम आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे प्रॉपर जो है गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों से ही जो है इन्होंने बर्गर ट्रक्स टाइप रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। तो और यहाँ से सनराइज है वो बड़ा ही फिट नज़र आया, तो आप लोगों ने देखा भी और अभी जो है वो सुबह हो चुकी है और यहाँ पे एक पलक भी टूटा हुआ है।
देख सकते हैं कि बच्चा पार्टी जो है वो फुल टाइम एंजॉय कर रही है अपना, और पूछते हैं इनसे जाके क्या कर रहे हैं, क्या करने हैं माजा सेक्टर के साथ तुमने? पता नहीं आग जला रहे, बुझा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे ट्राई लेना नहीं आपसे। मुझे बताओ जरा यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम्हें क्या पागलपन है? तो पागलपन कर रहे हो ना? चल क्या रहा है यहाँ पे? साधा बनती ये माचिस के साथ क्या कर रहे हो जस्टिन बीबर? क्या कर रहे हैं हम ना माचिस के साथ? देखो क्या कह रहे हैं, जैसे देखो देखो ये पागल सिगरेट की जैसे लगा रहा है और फूंक रहा है। ओए नहीं मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं फूंक रहा है सच में। तू बेटा बंदा बन जा, फूंक रहा है। मैंने जा के ना तुम्हारी मामा को बताना है अभी। फूंक रहा है एक दफा। चल बेटा अब तेरी हैर नहीं है, घर चल तू बेटा। लो तो इसके हाथ से, यूसुफ के हाथ से। अरे यार बस, ओए यूसुफ यार, यूसुफ लोग बस उसकी टीम पे हो गए दो नंबर। हाँ यूसुफ तो अपनों को भूल गए, अपनों को भूल गया तू, अपनों को तो भूल गया। उम्मीद है कि आपने इंजॉय किया होगा मेरा ये जबल चेस का व्लॉग। तो अपने व्लॉग को जो है वो अभी हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट लाजमी करना और सब्सक्राइब तो करना मत भूलना। तो अल्लाह हाफिज़।